हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि कैसे बाइक में मोबिल चेंज करना है, फुल गाइड। और इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मोटुल का 7100 इंजन ऑयल डालेंगे जो कि फुली सिंथेटिक है अपने जिक्सर SF में। आप देख लीजिए, ये बाइक अप्रोक्स 33,000 चल चुकी है और ये 4 ईयर्स पुरानी है। और मैं इसमें पहली बार फुली सिंथेटिक ऑयल डालने वाला हूँ। पहले मैंने शेल एडवांस का सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला था। ये है उसका ऑयल फिल्टर, मैं इसे भी आपको चेंज करना बताऊँगा। ये हमें सुजुकी के शोरूम से इजीली मिल जाता है। ये ऑयल फिल्टर आपको 35 रुपीज़ का मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसा कि शोरूम में मुझे बोला गया कि मार्केट से आप किसी अदर ऑयल फिल्टर को लेके इसमें ना लगाएं, क्योंकि वो फुल्ली इफेक्टिव नहीं होगा। ये देखिए पुराना ऑयल फिल्टर, और ये हम नया वाला अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इंजन ऑयल को चेंज करिए, ऑयल फिल्टर चेंज करिए, क्योंकि पूरा मोबिल इसके थ्रू ही सर्कुलेट होता है और अप्रोक्स 1 मिनट में ये 7 to 8 लीटर ऑयल को रिफिल करता है। तो ये बहुत नेसेसरी पार्ट फ्रेंड्स आपके इंजन का, जो कि आपके इंजन को डर्ट और अदर पार्टिकल से बचाता है। तो ये फ्रेंड्स वो मोटुल के इंजन ऑयल का मेन पैकेजिंग, इसमें प्राइस 820 लिखी हुई है, बट ये मेरे को 800 में मिला था। ये अमेजोन में मैंने परचेस किया था। ये 1 लीटर का रहता है फ्रेंड्स, बट हमारी बाइक 850 ml की है, तो हम इसे नाप के उतना ही इसमें पोर करेंगे। बाकी हम ऑयल इसमें रख लेंगे और उसे हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो हमें पहले इंजन ऑयल निकालने के लिए, ये आप नीचे एक सेफ्टी वाल्व देख रहे होंगे, ये एक नट बोल्ट आता है, उसे ओपन करना होगा। इसके लिए हमें 14 नंबर का स्पैनर चाहिए। ये मैंने उसे स्पैनर से अब खोल रहा हूँ और पुराना इंजन ऑयल पहले निकाल लूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप जब भी इंजन ऑयल चेंज करोगे तो थोड़ा बाइक को पहले स्टार्ट कर लीजिएगा, जिससे कि पूरा इंजन ऑयल आसानी से निकल जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जला हुआ इंजन ऑयल इंजन में रह जाएगा तो नया इंजन ऑयल डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसे जल्दी ख़राब कर देगा। और हालांकि हम फुली सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं तो हमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, वो पुराना इंजन ऑयल जिसे मैंने निकाल लिया है एक कंटेनर में, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरा काला हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही जल चुका है, बर्न हो चुका है। तो हमें इसे पहले ही चेंज करवा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, 3000 to 4000 किलोमीटर अप्रॉक्स बाइक रनिंग के बाद आप इंजन ऑयल चेंज करा दीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर ऑयल फिल्टर है आपके बाइक में तो उसे ज़रूर से ज़रूर चेंज कराएं, जितनी बार भी आप इंजन ऑयल चेंज कराते हो। और फ्रेंड्स, इस ऑयल फिल्टर के जो स्लॉट रहती है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लें, तो उसमें बहुत सारी ऑयल पहले से रहती है जो कि दोबारा गंदा कर सकती है आपके इंजन को। और एक ट्रिक है फ्रेंड्स, आप गौर करिएगा कि जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करते हो तो आप, जब आपके बाइक में किक जो रहती है उसे धीरे धीरे पुश करिएगा, तो इंजन ऑयल अच्छे से खाली हो जाएगी, क्योंकि इंजन हल्का सा मूव करेगा तो इंजन ऑयल जो उसमें बची हुई रहती है वो भी निकल जाएगी। और ये फ्रेंड सेफ्टी वेल्व है ऑयल फिल्टर का, इसे ध्यान से लगा दें जब भी आप इसे चेंज करते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक होल दिया हुआ रहता है, उसकी मदद से अंदर जाती है इंजन ऑयल और ये पोर्स के थ्रू फिल्टर पेपर के थ्रू फिर निकलती है, जिससे कि साफ रहती है काफ़ी टाइम तक। तो हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑयल फिल्टर को, जैसा कि मेरे को शोरूम वाले रिकमेंड किए थे, पहले ऑयल फिल्टर में थोड़ा हम इंजन ऑयल डाल लेंगे ताकि वो थोड़ी सी भीग जाए,
ताकि वो बेटर फिल्ट्रेशन कर सके, और उसके बाद हम उसे चेंज करेंगे, पुरानी वाली निकाल के नई वाली लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अच्छे से इंजन ऑयल को भिगो लें और उसके बाद इसे इंसर्ट करके इंस्टॉल कर दें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, अच्छे से सील करिएगा वरना आपकी इंजन ऑयल लीक भी हो सकती है। तो आप फ्रेंड्स इजीली दो स्पैनर की मदद से, 8 नंबर की और 1 14 नंबर के स्पैनर से अपने इंजन ऑयल खुद चेंज कर सकते हो। आपको कहीं भी शोरूम या फिर गैरेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूरी 1 लीटर ऑयल है जो कि ऐसे तो मैं पोर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक वेसल ले लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मदद से हम इसमें डालेंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, इंजन बिल्कुल खाली हो चुका है। मैंने अप्रोक्स 1 to 2 आवर इसे खोल के छोड़ दिया था, बिल्कुल लास्ट ड्रॉप तक निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही आप न्यू इंजन ऑयल रिफिल करें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, न्यू इंजन ऑयल डालने से पहले नीचे जो हमने वेल्व खोला था इंजन का, उसे दोबारा से लगा दें। और अब फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ी सी इंजन ऑयल बाकी है तो हम धीरे धीरे करके डालेंगे और चेक करते रहेंगे अपने ग्लास में कि लेवल तक आई है कि नहीं। अभी थोड़ा और बाकी है तो आपको धीरे धीरे डालना है क्योंकि ऑयल अंदर जाने में टाइम लगती है थोड़ी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा अप्रोक्स फुल के लेवल में आ चुका है, तो मैं अब इसे बंद कर दूंगा, बस इतना ही डालूंगा। और अप्रोक्स 850 ml मैंने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि कोई भी ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लेवल तक आ गई है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक बार इंजन रन करके चेक कर लेंगे कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है और हमारा इंजन सही से साउंड कर रहा है पहले की तरह। सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंजन का साउंड नहीं सुना पाऊंगा, बट बिलीव मी, इंजन का साउंड बहुत ही रिफाइन हो गया है और मैंने पर्सनली इस गाड़ी को चलाने के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर हो गया है। अगर आपके पास कोई जिक्सर बाइक है या फिर आपके पास कोई 150 cc से ऊपर की बाइक है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मोटुल 7100 10W40। अगर आपके गाड़ी में कॉम्पेटेबल है तो आप ज़रूर डालिए, बहुत रिफाइंड परफॉर्मेंस आती है फ्रेंड्स गाड़ी की। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।